खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 9वें दिन भी हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि तहसीलदार समेत जिले के करीब 500 से अधिक राजस्व कर्मी 9 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आमजन और सरकारी कामकाज में बाधा आ रही है। लोगों को इन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्व कर्मियों की हड़ताल से पूरे जिले में लगभग 10,000 नामांतरण दर्ज नहीं हो पाए हैं। आम दिनों में जिले में प्रतिदिन 1200 से 1500 नामांतरण दर्ज होते हैं। किसानों की केसीसी भी नहीं बन पा रही है। इसके अलावा खरीफ फसलों की गिरदावरी का काम भी अटका पड़ा हुआ है। हमारी जो 28 अगस्त से हमें धरने बैठे हुए हैं, जो 23/4/2023 में मुख्यमंत्री महोदय के सहमति पत्र पर जो साइन हुए थे, उसकी अभी तक गवर्नमेंट ने 4 महीने हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। उसको देखते हुए हमने फिर ये अभी हमने हड़ताल का वो फैसला लिया है, और जो हमारा जो प्रदेश कार्यकारिणी की निर्देशानुसार आगे की जो कार्रवाई है वो हम वार्ता चलती रहती है। पर मांगे जो है वो पहले समझौता हो चुका है हमारा, वो हम उसी समझौते को लागू करने के लिए बैठे हैं। नई मांगे कोई नहीं है हमारी। राजस्व सेवा परिषद के साथ ये संयुक्त रूप से धरना चल रहा है, जिसमें पटवारी, गिरदावर और राजस्थान के सभी तहसीलदार शामिल हैं। सर आज कौन सा दिन है धरने की? 9वां दिन। कोई वार्ता हुई या कोई आश्वासन प्रदेश स्तर से कुछ मिला है? वार्ता काफी बार हो चुकी है, आश्वासन हर एक बार मिला है, पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए। आदेश जारी होने तक बैठे रहे। काफी दिन से स्ट्राइक पे चल रहे हैं हमारे पटवारी गिरदावर, और जिनसे वास्तव में काम का नहीं हो पा रहा है, गिरदावरी नहीं हो पा रही है, नकल प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे जो राजस्व काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमने समझाइश की भी कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये स्टेट लेवल की इनकी स्ट्राइक है, और हमने इनका जो ज्ञापन है, जो मांग पत्र है पटवारियों का, वो उच्च स्तर पर भी भिजवाया है, और ये निर्णय राज्य स्तर से होना है और इनके राज्य स्तर की यूनियन से होना है। और मैं अपेक्षा कर ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हड़ताल खत्म हो, ताकि गिरदावरी जो महत्वपूर्ण है इस एरिए के लिए,